योर राहुल यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि ये एक बर्थडे ब्लॉग है, आप लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं मामपी दी राहुल भैया का एक छोटा सा बर्थडे ब्लॉग हम लोगों से शेयर कीजिएगा। तो इनको कुछ भी नहीं पता, इनका बर्थडे है इनको पता है और हम इनको सरप्राइज़ देने वाले हैं। इनको लग रहा है अभी कोरोना वायरस चल रहा है और लॉकडाउन चल रहा है, इसमें कुछ केक वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा, तो इनको लग रहा है मेरा बर्थडे भी नहीं मनेगा। और तो हम इनको सरप्राइज देने वाले हैं, हम बहुत कुछ प्लान, बहुत कुछ नहीं बोलेंगे, बहुत छोटा सा ही प्लान किए, इतना प्लान किए कि मेरे हस्बैंड खुश हो जाएंगे। ये बर्थडे मतलब सरप्राइज है और सच में उसका बर्थडे कभी मना नहीं, वो बोलते हैं मेरा बर्थडे नहीं मना, और हम इस बार बहुत अच्छे से प्लान किए थे जो कि कोरोना आके पूरा बिगाड़ दिया। तो फिर भी हम बहुत क्या बोलूँ मुश्किल से इनका बर्थडे मनाया। आप लोग प्लीज़ पूरा ब्लॉग देखिएगा और सबसे पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बाद साइड में एक छोटा सा बेल बटन रहेगा उसको भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हम कभी भी ब्लॉग वीडियो छोड़े और आप लोग के पास नोटिफिकेशन जाए और आप लोग मेरा पूरा ब्लॉग देख सकते हो। तो ये वीडियो आप लोग की डिमांड की वजह से ही है, तो आप लोग पूरा वीडियो देख के कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और आप लोग को न्यू अगर ब्लॉग चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो नेक्स्ट ब्लॉग हम आप लोग की डिमांड से ही बनाएंगे। आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि आप लोग को नेक्स्ट वाला ब्लॉग किसके ऊपर देखना है और किस टाइप का देखना है, और आप लोग को कैसा लगा कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करने की एकदम नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो चलो ज़्यादा ना पकड़ पकड़ करके स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग वीडियो। तो अभी रात के 12:30 बज गए और उनको हम बर्थडे विश कर दिए, सबसे पहले किए फर्स्ट विश हम किए, और तो अभी बहुत ज़्यादा रात हो गया, हम सोने वाले हैं क्योंकि हमको सुबह उठना है और बहुत कुछ सोचे हैं जो कि करना है। अभी लॉकडाउन चल रहा है और ये लॉकडाउन पे तो कुछ बड़ा सा उनको कुछ सरप्राइज़ दे नहीं सकते, पर कोशिश करेंगे कि वो कुछ भी छोटा सा भी हो पर वो बहुत खुश हो जाएंगे। तो ओके गाइस, चलो तो कल सुबह मिलते हैं और जल्दी जल्दी से उठ के उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं हम सब मिलके। तो आप लोग प्लीज पूरा ब्लॉग देखिएगा, बाय बाय, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह हम उठ गए थे और सुबह उठ के मम्मी जी खीर बनाए हैं और हम आलू का पराठा उनका फेवरेट बनाए हैं। तो अभी नहा लिए और अभी जा रहे सुनार के पास हम और मम्मी जी दोनों मिलके उनके लिए कुछ मतलब ख़रीदने के लिए। अभी तो लॉकडाउन में बंद है, फिर भी हम फ़ोन करके बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करके वो मतलब राजी हो गया कि हाँ ठीक है चलो आओ। तो देखते हैं, तो हम और मम्मी जा रहे हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तब तक बने रहिएगा, पूरा व्लॉग देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाले है और उनका बहुत अच्छा वाला छोटा सा सरप्राइज़ देने वाले हैं हम लोग। तो बाय। बहुत ज़्यादा थक गए, थोड़ा सा हम आराम करेंगे नीचे जाके, और जैसे कि ऊपर आके बना रहे हैं ब्लॉग क्योंकि वो नीचे एकदम घूम घूम कर रहे हैं और देखना चाहते हैं कि हम किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। एकदम हम सुबह से नॉर्मल है, उनको कुछ पता नहीं लगने दे रहे हैं बस। तो यही करना है, अभी जाके नीचे आराम करना है, थोड़ी देर बाद ऊपर आएगा बहुत सारा बच्चा कुच्चा रूम डेकोरेट करने के लिए, वो लोग काफ़ी है, मेरा ज़रूरत नहीं है। और हम अगर ऊपर आएंगे तो उनको पता चल जाएगा। तो चलो शाम में हम आप लोगों को दिखाते हैं रूम डेकोरेशन। तो चले आए हम ले लिए गिफ्ट उनके लिए जो भी लेना था, तो आप लोगों को भी दिखाएंगे थोड़ी देर बाद। मतलब थोड़ी देर बाद मतलब हम पूरा गिफ्ट पैक कर लिए, लॉकडाउन के मार्केट में सच में कुछ नहीं मिल रहा था, एक गिफ्ट पेपर भी नहीं मिल रहा था, तो हम उसको पूरा एकदम न्यूज़पेपर से बहुत अच्छे से मतलब पैक किए हैं। तो देखते हैं शाम में कि आप लोगों के लिए भी मतलब अभी नहीं बोलेंगे, सरप्राइज़ है, तो जब हम उनको देंगे तो आप लोग देख ही लीजिएगा। तो अभी जो करेंगे हम अभी मेरे भाभी को इनवाइट करेंगे क्योंकि किसी को अभी नहीं पता कि हाँ हम मना रहे हैं, अगर हम उन लोगों के सामने बोलते तो पता चल जाता, तो हम सोचे थोड़ा लेट से बोलेंगे। तो अभी टाइम हो गया तो हम इनवाइट करने वाले हैं मेरा भाभी को, मतलब दीदी भाभी बहुत अच्छी है वो और उनको बहुत मानती है, तो हम अभी उनको इन्वाइट करने वाले हैं, तो देखिए क्या होता है। हेलो, हाँ बोलो।
हाँ प्रणाम भाभी। हम बोल रहे थे कि आज ना आपका देवर का बर्थडे है, तो उनको नहीं पता, तो आप लोगों को सभी को आना पड़ेगा। खुशी को, गोलू को, आप और भैया और दीदी को भी बोल दीजिएगा, बेबी दी को और छोटू और वो भैया और छोटू नैना। हाँ, क्योंकि पता है ये हम कर रहे हैं, उनको एकदम नहीं पता और हम उनको सरप्राइज देंगे, तो उनको नहीं पता और घर पे सबको पता है, बस उनको ही नहीं पता। और आप लोगों को आके एकदम आके और छत्ता आना है, एकदम उनके सामने दिखाना ही नहीं है कि हाँ आप लोग आए हैं, क्योंकि उनको सरप्राइज देना। और आप लोग आएंगे तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएगा, बहुत ही खुश हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि वो आप लोग आ रहे हैं कि वो नहीं जाए। नहीं ठीक ना, पक्का आएंगे। आपका तबीयत खराब है, आप बोलेंगे मेरा तबीयत खराब है, अब नहीं जा पाए। पक्का? हाँ शाम को ठीक। और पता है आप लोग आके ना एकदम ऊपर उठ जाएंगे, क्योंकि एकदम आप लोग आने के पहले हमको फ़ोन कर दीजिएगा ताकि हम बाहर आ जाए और उनको एकदम पता ना चले कि हाँ आप मतलब आ रहे हैं कोई। ठीक, आने से पहले फोन कर देंगे। हाँ हाँ, तब क्या, ताकि हम बाहर खड़े रहेंगे। ठीक है, और बेबी दी को भी बोल दीजिएगा और नैना छोटू सबको लेके आएंगे और वो भैया को भी बोल दीजिएगा। ठीक है, पक्का? तो ठीक है भाभी, अभी रखते हैं। तो चलो इनको भी इनवाइट कर दिए, तो पक्का आ रहे हैं। भाभी का थोड़ा सा तबीयत खराब है, हमको लगा ना बोलेंगे, पर आएंगे। तो चलो, सामने बहुत बड़ा उनके लिए सरप्राइज है। तो अभी तक केक का कुछ पता नहीं है, तो अभी केक लाने भी भेजेंगे उनको, मतलब भेजेंगे अभी केक लाने। अब मिल जाए तो बहुत बढ़िया। और हम रूम भी बहुत अच्छे से डेकोरेट करने वाले हैं, पर बहुत अच्छे से मतलब अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप लोगों को पता ही है, जो अवेलेबल होगा उसी से और वो खुश होगा। और देखिए मतलब हम ऐसे, हाँ, और एक को फ़ोन करने भूल गए, जो कि है इनका बेस्ट 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 फ्रेंड। आई डोंट नो आएंगे कि नहीं, क्योंकि उनका भी थोड़ा पढ़ाई में मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाकू है। तो ये है जो कि केक लाने भेजेंगे हम इनको। तो ये उनके साथ मतलब मेरा हस्बैंड जी के साथ, बर्थडे बॉय के साथ आज घूम रहे, ताकि इधर ना चले आए। तो आज ग्रेट ग्रैंड मस्ती होगा बर्थडे में, तो पर उतना भी नहीं, एकदम छोटा सा बर्थडे। हम बहुत सोचे थे कि बहुत बढ़िया सा बर्थडे, क्यों लॉकडाउन मतलब कोरोना, भाई मेरा साथ क्या हुआ, आपको इसी टाइम में आपको कोरोना होना पड़ा। मैं जितना भी, प्लीज गाइस आप लोग सेफ रहिए, घर पे रहो, जितना भी सामान मिलेगा मैं। यही दुआएं हैं तेरे जन्मदिन पर, तुम मुस्कुराते रहो ऐसे ही जीवन भर। यही दुआएं हैं तेरे जन्मदिन पर। हेलो गाइस, तो देखो अभी हो गया और हम लोग रेडी भी हो गए, और मेरे साथ आज ये दोनों कुछ को हेल्प किया, ये दोनों ने बहुत, और दो बच्चा छोटा सा है, मतलब जितना बच्चा पार्टी है, हम लोग सब एक साथ मिलके डेकोरेशन की। तो चलो हम आप लोगों को रूम दिखा देते। ये है रूम और ये हो रहा है लॉकडाउन बर्थडे। अभी केक को हम लोग बंद करके रखे हैं, क्योंकि कुछ गिर नहीं जाए केक पे। और इस पे है टॉफी, आई होप इतना में वो खुश हो जाएंगे, क्योंकि अभी और कुछ लॉकडाउन में अवेलेबल नहीं था। तो कैसा लगा आप लोगों को डेकोरेशन? जब तक फटते नाच पिजामा पकड़ के फटते।
कहीं तुम बुढ़े होते रहोगे, हमको उससे क्या मतलब बताओ जी। मैं तू मेरे यार तेरे फ्रेंड्स तेरी गर्लफ्रेंड तेरी एक्स तेरी गर्लफ्रेंड का एक्स, क्यों हो गए सारे जंगली, क्यों हो गए सारे जंगली, क्यों हो गए हो गए हो गए हो गए हो गए सारे जंगली। हैप्पी बर्थडे। मैं तू मेरे यार तेरे फ्रेंड्स तेरी गर्लफ्रेंड तेरी एक्स तेरी गर्लफ्रेंड का एक्स, क्यों हो गए सारे जंगली, क्यों हो गए सारे जंगली, क्यों हो गए हो गए हो गए हो गए हो गए सारे जंगली। हैप्पी बर्थडे। साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, सौ दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you। रहो ऐसे ही जीवन भर, यही दुआ।
ऐसे ही जीवन भर। यही दुआएं हैं, यही दुआएं हैं तेरे जन्मदिन पर, तुम मुस्कुराते रहो ऐसे ही जीवन भर। यही दुआएं हैं तेरे जन्मदिन पर, तुम मुस्कुराते रहो ऐसे ही जीवन भर। यही दुआएं हैं। हाय रे तेरे हैप्पी बर्थडे ते, हाय रे तेनु हैप्पी बर्थडे नी, हाय रे तेरे हैप्पी, हाय रे तेरे हैप्पी बर्थडे ते, हाय रे तेनु हैप्पी बर्थडे नी, हाय रे तेरे हैप्पी। हैप्पी बर्थडे टू यू जी, केक शेक है तो फिर बुलाओ जी, ऐसे ही तुम बुढ़े होते रहोगे, हमको उससे क्या मतलब बताओ जी। हैप्पी बर्थडे टू यू जी, केक शेक है तो फिर बुलाओ जी, ऐसे ही तुम बुढ़े होते रहोगे, हमको उससे क्या मतलब बताओ जी। यही दुआएं हैं छोटा बहन है ना, तेरे जन्मदिन पर तुम मुस्कुराते रहो। तेरी गर्लफ्रेंड, तेरी एक्स, तेरी गर्लफ्रेंड का एक्स, क्यों हो गए सारे जंगली, क्यों हो गए सारे जंगली, क्यों हो गए, हो गए, हो गए, हो गए, हो गए सारे जंगली कट्ठे। हैप्पी बर्थडे। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। एक बात मुझे ये कहनी है, जो दिल से जुबां तक आई है तेरे जन्म का ये शुभ दिन, इस दिन की तुमको बधाई है। थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे वाला ब्लॉग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब।
भाई लव यू गाइस एंड थैंक यू सो मच मम्मी एंड भाभी। और हमारी माता जी भाग रही है, इधर आइए माता जी, इधर आइए माता जी, हमारी माता जी चुपके चुपके जो भाग रही है। ओ मेरी माँ, मैं तेरा याद ला। तो गाइस कैसा लगा आप लोगों को ये पूरा बर्थडे ब्लॉग? तो जैसे ये लॉकडाउन वाला बर्थडे था तो मेरा हस्बैंड मतलब बहुत ही खुश हो गया। उनको सच में नहीं पता था कि हम उनका बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट करेंगे, और वो भी लॉकडाउन में। केक वगैरह बलून वगैरह सब कुछ बहुत मुश्किल था मिलना। वो हमको बोल रहे थे कि तुम कैसे मनाओगे मेरा बर्थडे, केक कहाँ मिलेगा तुमको? तो हम बोले कहाँ मनाएंगे, हमको कहाँ मिलेगा, मतलब पूरा ही सरप्राइज बर्थडे था। और इस बर्थडे में मम्मी जी, भाभी जी और छोटा छोटा मेरा जो भांजा है सब हेल्प किया हमको, सबको थैंक यू बोलना चाहते हैं। और बहुत मेहनत की है इनका बर्थडे में, मतलब जैसे कि लॉकडाउन था इस वजह से हम बहुत मेहनत किए, सब कुछ मिलना बहुत ही मुश्किल था। तो आप लोगों को आई होप अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो कमेंट्स कीजिएगा बहुत ही प्यारा प्यारा सा, और सब्सक्राइब करने एकदम ना भूलिएगा, और साइड में छोटा सा बेल बटन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा, प्लीज़ कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाए। और इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई ब्लॉग लेना है, देखना है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं कि दीदी इसके बाद वाला भी ब्लॉग, कुछ भी ब्लॉग बनाइए, ऐसा ब्लॉग देखना है, वैसा ब्लॉग देखना है, हम लोग बनाएंगे आप लोगों के लिए। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा बर्थडे। तो बाय बाय।